हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मलाई गोटे रोल परांठा। तो चलें ये देखें, हमने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, और अब इसमें हमने सिरका लगा के रख दिया था सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसमें मलाई बोटी बनानी है, तो हमने इसमें 2 चम्मच दही डाल देनी है और थोड़ा सा सूखा दूध डालना है इसमें 2 चम्मच के करीब। ये देखें आप, अदरक लहसुन पेस्ट डालना है हमें, ये हरी मिर्च पेस्ट डाला है हमने, इधर हम ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल देते हैं। अच्छा, और वाइट पेपर, हाँ तो इधर हम ये वाइट पेपर डाल देते हैं इसके अंदर। हाँ तो इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं काली मिर्च पाउडर। तो ये देखें, आधा चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, तो यहाँ हमने लिया हुआ है मोटा धनिया, ज़ीरा भुना हुआ, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें ये 2 चम्मच हम क्रीम डाल देते हैं। अच्छा, तो ये देखें हमने इसमें क्रीम डाल दी, चलाएंगे। अब इसको हम हल्के हाथ से चलाएंगे, सिर्फ आधे घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। तो देखें, हमने ये मैदा हमने भून के रखा हुआ था, ऑयल डाल के हल्का सा, तो इसको हमने चूल्हे की आग फ्लेम पे कर दिए। अब इसमें हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। तो देखें, हमने आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली है और आधा ही चम्मच हमने इसमें नमक डालना है। हम इसका ये पेस्ट बना रहे हैं रोल पराठे का, आधा चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डाल देना आप, सही है। और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, बिल्कुल डालें ना, आधा चम्मच डालें, मेरे अंदाजे से डालिए, आप चम्मच से भी डाल दीजिए, आपकी मर्जी। फ्लेम पर हम हल्का हल्का भून लेते हैं और अब इसमें हम क्रीम और दूध मिल्क जो होता है वो हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब, और 2 चम्मच हम इसमें क्रीम डाल देंगे ताकि हमारा ये बन जाए अच्छे से। क्रीम डाल देते हैं, ये हमारी थोड़ी सी जम गई है, हमने फ्रिज में रख दी थी, तो ये हमारी थोड़ी सी हो गई है। हम इसको ये डाल देते हैं क्रीम को, तो इसमें डालेंगे हम, कर लेते हैं। ये हमारी डो तैयार हो गई है, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। देखिए, हम थोड़ा सा चिकन के लिए ऑयल डालते हैं इसमें, 2 चम्मच, ये 1 चम्मच सही है। हमें इसमें चिकन भूनना है, जो हमारा आधे घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट करे थे। तो हम ये चिकन डाल देते हैं इसमें, भून लेते हैं हम इसको, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ तो देखिए, हम ये मैदा लेते हैं पराठों के लिए, आप अपने हिसाब से ले लें, हमें 2 कप के हिसाब से लेने, 3-4 पराठे आराम से बन जाएंगे इजीली। तो ये देखिए, हमने मैदा ले लिया अच्छे से, अब हाँ हमारा चिकन भून रहा है, ये अच्छे से भून जाएगा। इतने हम इसमें सब चीज़ें डालते हैं,
यहाँ हमने ये लिया है आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब हमने डाला चीनी का सोडा। इसमें डालते हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने में मीठा सोडा डाल दिया हमने, बेकिंग पाउडर डाल दिया इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसके अंदर ताकि हमारी परांठे जो है वो नरम बने। हमने दो चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देना है। थोड़ा काफ़ी कम लगा के हमें इसकी डो को गूंद लेना है अच्छे से। देखिए हमारी डो तैयार हो गई, इसमें हम एक अंडा मिलाएंगे सही है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और क्रिस्पी बने। एक अंडा डालने के लिए हम पानी आ रहा है। चिकन मलाई रोटी के साथ आज हम बच्चों को और उनके पापा को बना के खिलाएंगे रोल वाले मलाई रोटी वाले परांठे। तो ये देखें अंडा अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें, इसको हम हल कर लेंगे। तो देखें हमारा आटा गुन गया और हमने ये टोस्ट भी बना लिया जिस पे हम लगाएंगे और यहाँ हमारी ये मलाई रोटी भी बन गई है। अच्छा देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और परांठे आपको बना के दिखाएंगे। इसी तरीके से आपने बनाने, आप चाहे तो इसमें टमाटो के चिप भी लगा लें। हमने ऐसे ही बनाए हैं और ऐसे ही करके हम सारे बना लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर ज़रूर आएँ और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।